अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। उम्मीद है कि आप सब हैरियत से होंगे। तो कोटी छोटी पा ली है ऊपर मौसम। आज है अल्हम्दुलिल्लाह 8 रमज़ान और मौसम अल्लाह के फजल करम से ऐसा है कि जैसे बिल्कुल सर्दियाँ होती हैं। तो मैं कुछ ज़्यादा अवर ही हो गया हूँ, कुछ ज़्यादा ही मोटी पहन ली है, लेकिन फिर भी पहनने के काबिल है। मतलब इतनी सर्दी है कि बंदा पहन सकता है। तो अभी वीडियो में के स्टार्ट में आपने देख लिया है कि मेजरमेंट हमने कर लिया। तो अभी चलते हैं मार्केट, वहाँ से रेट वगैरह लेते हैं और क्वालिटी वगैरह चेक करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आवाज़ आ रही है कि नहीं? आ रही आ रही है। अच्छा, मैं समझा बहुत दूर में इसकी आवाज़ से बोल रही है। हम कारपेट वाली शॉप वाला ग्रीन दूर से देख के हैं, लेकिन एक लेवल नहीं है। क्या कहते हैं, है वो नरम है, शायद रोल हुआ हुआ है इसलिए थोड़ा सा कलर जो है ना डल हो रहा है। एक ये रोल पड़ा हुआ है इसकी तरह का, लेकिन इससे क्वालिटी थोड़ी अच्छी है। नहीं, इनके पास वैरायटी बहुत कम पड़ी हुई है। पिक्चर दिखा रहे हैं, वो मंगवा के देंगे यार, लेकिन पिक्चर में और चीज़ होती है और सामने जब चीज़ आती है और चीज़। अभी सोचते हैं क्या करना है। मोहित भाई का दिल इस पे अड़ा हुआ है, देखते हैं कौन सा लेना पड़ेगा। ले जी, गए थे बाइक पे और आ रहे हैं पैदल वापस। तो कारपेट हमने पसंद किया है, लेकिन हमें पसंद नहीं आया। मोहित भाई को पसंद आ गया था, लेकिन मुझे पसंद नहीं आया। हमने कहा नहीं भाई, ये नहीं लेना। तो अभी शाम को यार रोज़ा इफ्तार करने के बाद या फिर कल इंशाल्लाह जाएंगे बड़ी मार्केट, मतलब राजा बाज़ार, शास्त्री सिटी सदर रोड। तो वहाँ से पसंद करेंगे, वैरायटी भी ज़्यादा होगी, क्वालिटी भी ज़्यादा होगी और रेट भी शायद मुनासिब मिल जाए इंशाल्लाह। कल रोज़ा रख के बाइक पे जितना ठंडे खड़े से इजतनाब किया जाए, उतना ठंडा खड़ा में बाइक लगता ही लगता है। खाली पेट होने की वजह से भाई जान पेट आपस में ऐसे ऐसे होता है कुछ। ले जी, अल्हम्दुलिल्लाह कालीन वाली शॉप पे आ चुके हैं। गलत चले गए थे, माओ ने बच्चों कालीन ही कालीन, ये देखे माशाल्लाह। अब इधर हमको पसंद नहीं आएगी। इस चीज को फिर आप जितना यूज करते हो सफाई करो, जिस तरह यूज करने का। कालीन की तरफ बंदा जाए ना भाई, 2500 का एक मसल्ला। हमारे मस्जिद में आएंगे 50 और रेट फिर आप मल्टीप्लाई कर लें। उसके बाद कारपेट है, कारपेट का रेट इससे अच्छा तो हमारे टाउन में मिल रहा था यार, 35 किलोमीटर दूर। शॉप नंबर 2। ज़्यादा फिरने के बाद भी कोई चीज़ पसंद नहीं आ रही, मतलब कारपेट नहीं पसंद आ रहा कोई चीज़। हेलो। मस्जिद के लिए मिल नहीं रहा और अपने लिए पसंद कर रहे हैं। ओए आजी बाब, मोहित भाई क्या बातें हैं आपकी, माशाल्लाह हैं बड़े प्यारे प्यारे, लेकिन मस्जिद के लिए इतनी वैरायटी नहीं है किसी के पास भी। वो जो सबसे पहले जिनके पास गए थे उनके पास थी, लेकिन उनके रेट बड़े ना ऐसे 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 थे, तो इसलिए हमने कहा मार्केट विजिट कर लें। लेकिन हम आई थिंक सो कि उन्हीं के पास जाना पड़ेगा, जहाँ से गए थे वहीं पर वापस आ चुके हैं। और ये वाला पसंद किया है ग्रीन कलर में, और मोहित भाई कोई और कलर ढूंढ रहे हैं। ये वही है। ले जी, थक गए भाई सुबह से घूम घूम के।
अभी काटेंगे, गाड़ी बुक करेंगे और घर लेके जाएंगे, घर नहीं मस्जिद में लेके जाएंगे डायरेक्ट। ज़्यादा से ज़्यादा घर लेके जाओ, फिर बंदा उनको देख देख के बंदा कहता है ये क्या सूट नहीं कर रहे। यहाँ पे देखो हर तरह की वैरायटी लगी हुई है, देखने में मज़ा आता है भाई। ये चीज़ बड़ी मज़े की है, ये 25 इसके नीचे जो पड़ी वो फिर कालीन में आती है, वो फिर 5,500 रुपये वाली चीज़। अल्हम्दुलिल्लाह जी कारपेट पहुँच चुका है साथ, ये शटर थे मोइज़ भाई की शॉप्स के लिए, पहले ये उतार देते हैं और कारपेट जो है ना आगे ले जाएंगे मस्जिद। ये जी कालीन चेंज करने से पहले कुछ ऐसे है, ये और कलर का है, ये और पीछे और, तो इसलिए अभी थोड़ी देर में ऐसे चुटकी जा के जादू करेंगे इंशाल्लाह। ले जी माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आफ्टर बिफोर हो चुका है, वो वीडियो अलग से बन जाएगी। ये जो है ना ये एक्स्ट्रा इसलिए छोड़ा है कि आई थिंक हमारा इरादा है कि इसी के पीछे गिलू लगा के दीवार के साथ चिपका दे, इधर प्यारा लग रहा है, नहीं तो काटना पड़ेगा। ये थोड़ा सा छोटा हो गया है, कैलकुलेशन मिस कैलकुलेशन हुआ हमसे, तो इधर ला के डालना पड़ेगा वो वाला काट के, नहीं तो यहाँ अगर वहीं पर फिट कर दिया तो फिर नया ले आएंगे इंशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह जी कारपेट तो नया हो गया है, तो स्पेशल किस्म का ये फ्रेशनर मैंने रखा हुआ है, मैंने कहा एयर फ्रेशनर भी यहाँ पर चला के जाते हैं सांस चल गया, क्योंकि हमने नमाज से पहले पहले गायब होना है यहाँ पर, किसी को नज़र नहीं आना, किसी को पता ही ना चले कि किसने किया है, मैं एयर फ्रेशनर चलाता हूँ यहाँ पर। बाकी ये छोटा सा सरप्राइज़ था अपने मोहल्ले वालों के लिए, तो अभी हमने जोर असर से जोर की नमाज़ पढ़ के स्टार्ट किया काम, असर से पहले पहले सारा ख़त्म करके घर आ गए, अभी नमाज नॉर्मल जिस तरह पढ़ते हैं ना वैसे जाएंगे, रिएक्शन चेक करेंगे उनका।